अपनी ही धुन में चलते हुए, हवा से बातें करते हुए, ये मोटरसाइकिल सवार एक आम नजारा है हिंदुस्तान की सड़कों पर। लेदर की जैकेट, जीन्स, चश्मे और हेलमेट पहने ये राइडर्स जिंदगी को सही मायनों में टॉप गियर में जीना जानते हैं। Rugged, raw, rustic, and in some senses powerful. I think that's the kind of message you used to get from a Royal Enfield in the past, you know. But what's great is that now when you think about one of those bikes, when you see one of them on the road, you still get rugged to a certain extent, you still get powerful, but you also get cool, you also get cult. It's no longer rural, it's very urban, it's very retro and classic. So it's younger, the demographic of its buyers, and that's a sort of credit to, you know, the kind of growth they've managed to achieve with the brand itself, and the fact that the product also speaks that story. एक रगेड मोटरसाइकिल होने के साथ साथ रॉयल एनफील्ड की सफलता की वजह है इनका लॉयल कस्टमर बेस। जहां बुलेट के राइडर्स में जज्बा है, वहीं इनके जज्बात जुड़े हैं अपनी मोटरसाइकिल के साथ। और बहुत कम ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो आर्थिक सफलता के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी अपने कस्टमर्स का प्यार और लॉयल्टी भी जीतते हैं। रॉयल एनफील्ड में क्या है, जैसे आप किक स्टार्ट करते हो ना बाइक को, तो वो एग्जैक्टली वो है कि किक स्टार्ट योर हार्ट। इट पंप्स लाइफ बैक इनटू मी, लाइक द डुग 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 इज द डुग 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 डुग। स्टाइल और टशन के मामले में बेस्ट है, क्योंकि इसमें हैवी हंक बंदा बहुत परफेक्ट लगता है। कार बॉडी मूव करती है और बुलेट आपकी सोल मूव करता है। चाहे आप इसे पसंद करें या ना पसंद, मगर एक बात तो तय है, सड़क पे आप इस बुलेट को इग्नोर नहीं कर सकते। A bullet when it goes captures you. You could bring any bike you want, but if you are on a bullet, that's a different feel altogether, from a ride comfort, from a sound, from the whole presence of the bike. हिंदुस्तान की सड़कों पर अनपैरेलल परफॉर्मेंस देने वाली रॉयल एनफील्ड की शुरुआत हिंदुस्तान से हजारों मील दूर इंग्लैंड के रेडिच नाम के एक शहर में हुई सन 1891 में। उस दौर में एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पास ही की रॉयल स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री के लिए बंदूक के पुर्जे बनाया करती थी, और यहीं से रॉयल एनफील्ड के साथ मेड लाइक अ गन का स्लोगन जुड़ा। बुलेट नाम उनका इस करके पड़ा था बिकॉज ऑफ देयर एसोसिएशन इन मेकिंग आर्म्स एंड एमिनेशन। दे यूज्ड टू मेक साइकिल्स, और फिर अर्ली 1900 के अंदर एक मोपेड के ऊपर उन्होंने इंजन लगा के उसको बनाया। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर इन्होंने पैराशूट ड्रॉप के लिए मोपेड्स बनाई थी विद अ 1.25 सीसी इंजन व्हिच कुड बी फोल्डेड एंड पैराट्रूपर के बैक के ऊपर इट वॉज बोल्टेड ऑन। So this was a mode of conveyance for them. So this was a mechanized horse. विश्व युद्ध दो के समाप्त होते होते भारत भी आजाद हो चला था, और इंडियन आर्मी को जरूरत थी एक ऐसी मोटरसाइकिल की जो रगेड और डिपेंडेबल हो। हिस्टोरिकली रॉयल एनफील्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पे इंडियन आर्म फोर्सेज में आई थी। उस टाइम पे ये ब्रिटेन से आई थी। उस समय पे 800 मोटरसाइकिलों का ऑर्डर हुआ था। तब से और आज तक रॉयल एनफील्ड का रिश्ता एक आर्म फोर्सेस के साथ रहा है। जब आप रगेड टेरेन में मूव करते हो, जब आप डिफिकल्ट एरियाज में जाते हो जहाँ सड़क हो या ना हो, ये एक ऐसी मशीन है जो किसी भी जगह पे बहुत सिंपली रिपेयर हो जाती है। स्टार्टिंग फ्रॉम सियाचिन से लेके और अंडमान निकोबार तक, जहाँ पे भी आप जाइए, इंडियन मिलिट्री हमेशा रॉयल एनफील्ड की लॉयल है। तो दैट वे ये एक ऐसी मशीन है जो मिशन को पक्का अकम्प्लिश करती है। फौज की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सन 1955 से रॉयल एनफील्ड हिंदुस्तान में बनने लगी, और इंडियन आर्मी की ऑफिशियल सवारी बिजली के कनेक्शन की तरह आजाद हिंदुस्तान में धीरे धीरे फैलने लगी। और पॉपुलैरिटी वहां से शुरू हुई रूरल एरिया से। इसकी रिलायबिलिटी बहुत थी और हार्डी बहुत थी। फ्रॉम पोस्ट वॉर आई वुड से 50s से लेके और 70s तक दूध वाले अपने कैंस जो कैनिस्टर्स हैं 50-50 लीटर के, वो चार चार इसके ऊपर बांध के शहर में लाते थे।
और अपना माल बेच के और शाम को वापस चल जाते थे, और वहाँ से इसकी एक पॉपुलैरिटी बढ़ी। अपनी सर्विस और रगेड परफॉर्मेंस के लिए जाने जाने वाली बुलेट उस दौर में अपने कस्टमर्स को भी इन्हीं फीचर्स से अट्रैक्ट कर रही थी। दिस वॉज द बाइक दैट सेपरेटेड द बॉयज फ्रॉम द मेन। व्हेनेवर यू हर्ड अ बुलेट अप्रोचिंग यू, इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ मैन ऑफ अथॉरिटी वाज कमिंग टू यू। इट वॉज मेंट फॉर लार्ज मैन, और व्हेन लार्ज मैन सैट ऑन इट दे लुक्ड एज दो दे फिट द पार्ट। ओके, सो यू हैड बिल्ट ऑन द इमेजरी ऑफ दिस बीइंग एब्सोल्यूट टेस्टोस्टेरोन। क्रिकेट की ही तरह रॉयल एनफील्ड का जन्म भले ही इंग्लैंड में हुआ हो, मगर हिंदुस्तान ने इसे पूरी तरह अपना बना लिया, और चेन्नई में स्थित ओरागेडम की इस फैक्ट्री में ये मोटरसाइकिल दिन रात टेक्नोलॉजी और लेगेसी के तालमेल से बनाई जाती है। सैकड़ों एम्प्लॉयज, रोजाना हजारों मैन आवर्स की खपत और 4 एक्टिव असेंबली लाइन्स वाली ये फैक्ट्री इंश्योर करती है कि आपके सपनों और जज्बे को रफ्तार देने वाली ये रॉयल एनफील्ड आप तक समय से जरूर पहुंचे। पिछले कुछ सालों में ऐसी मांग बढ़ी है इस विंटेज मोटरसाइकिल की कि इस फैक्ट्री में हर मिनट एक मोटरसाइकिल बनने के बावजूद भी आपको 1.5 से 3 महीने इंतजार करना पड़ता है अपनी रॉयल एनफील्ड हासिल करने के लिए। Now the fact that it's gone from being a manufacturer of not even 50,000 bikes a year to sometimes now hitting 50,000 a month is representative of the fact that it needed to modernize its manufacturing as well. But then there are certain things that you can't let go of, which are very key to the heart of the brand, the heritage or the legacy that it not just carries today, but it intends to carry going forward, which creates its identity. जहां एक ओर इस फैक्ट्री में रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल्स इन रोबोटिक आर्म्स के जरिए पेंट की जाती हैं, वहीं विश्व की सबसे पुरानी अब भी बनने वाली मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड बुलेट के पिन स्ट्राइप्स आज भी हैंड पेंट किए जाते हैं। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ, डाउनलोड द एपिक ऑन ऐप। उनके पास भी बुलेट खड़ी हुई है। तो यार मैं आपको यही बताने लगा था कि पाकिस्तान के अंदर भी बुलेट्स रखी हुई है लोगों ने, जब वो ये इम्पोर्ट वगैरह ओपन है थी, तो हम जहाँ से कपड़े लेते हैं उन्होंने अपनी शॉप के अंदर रखी हुई है। भाई मेरी उसके साथ तस्वीर भी है। हाँ, वो हमने उनसे पूछा था कि यार ये आप चलाते नहीं हैं, तो वो कहता है यार मैंने शौक से इंपोर्ट करवाई थी, मुझे पसंद बहुत थी, तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा अरसा चलाई और उसके बाद लाके से खड़ा कर दिया, मेरा दिल ही नहीं करता इसे गंदा करने का। तो यार वो बहुत प्यारी है, लेकिन वो इधर मेरा ख्याल है खड़ी नहीं हुई इनमें से कोई। उसको पड़ी थी कॉज, उसका वेरिएंट वगैरह नहीं याद, उसने बताया था 10 लाख की। हाँ तकरीबन शायद 10 लाख की इम्पोर्ट के, 10-11 लाख की उसको इम्पोर्ट के बाद, आज से काफी साल पहले की बात है ये जब उसने इम्पोर्ट करवाई थी। तो अब उसने भाई उसको सजा के अपनी शॉप के अंदर रखा हुआ है और वो बहुत प्यारी लग रही होती है, उसको चमका के रखा हुआ है उसने। तो पाकिस्तान में काफी लोगों के पास है रॉयल एनफील्ड, ये कबीर सिंह के बाद तो बहुत ज्यादा लोगों ने लेनी शुरू कर दी थी। तो अब खैर इम्पोर्ट बंद हो गई है, तो उसकी जगह एक दूसरी बाइक चल रही है, हाई स्पीड इन्फिनिटी। तो वो भी तकरीबन सेम कबीर सिंह वाली बाइक की ही है। तो कबीर सिंह के बाद लोगों ने काफी ज्यादा ये बाइकें खरीदना शुरू करती थी।